हेलो एवरीवन, नीलम्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्रत में बहुत काम आने वाला साबूदाना प्रीमिक्स की रेसिपी। अगर आपने इस तरह का प्रीमिक्स बना लिया तो आप किसी भी व्रत में हर रोज़ नई नई रेसिपीज बना सकते हैं, वो भी बहुत हेल्दी रेसिपी। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे किसी प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और जब व्रत के लिए रेसिपी बनाना हो तो इससे आप रेसिपी बना लीजिए। इसे बनाना भी बहुत आसान है, आप भी इसे बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से आसानी से घर पर बना सकते हैं। आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर ये आपको प्रीमिक्स पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। सबसे पहले हम मूंगफली को रोस्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप मूंगफली ली है। मूंगफली को लो टू मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है। यहाँ पर हमें मूंगफली को इतना ही भूनना है कि इसका छिलका आसानी से हट जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो ये देखिए, जब इस तरह से मूंगफली का छिलका हटने लगे तब समझ लेना चाहिए कि मूंगफली अच्छे से भुन गई है और इसका छिलका अब आसानी से निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और मूंगफली को एक प्लेट में निकाल लेंगे। मूंगफली को साइड में रखेंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। जब ये मूंगफली ठंडी हो जाएगी तब हम इनका छिलका निकालेंगे। तो हमारी कढ़ाई गर्म है। गर्म कढ़ाई में हम 2 कप साबूदाना डालेंगे बिना भीगा हुआ। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज वाला साबूदाना लिया है। आपके पास जो भी साबूदाना हो उसे पोंछ कर साफ करके ले सकते हैं। साबूदाना को लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा भून लेंगे। इससे क्या होगा कि साबूदाना में जो भी नमी होगी वो निकल जाएगी और इसका पाउडर आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर मैंने जिस कप से मूंगफली ली थी उसी कप से 2 कप साबूदाना लिया है और ये मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है। आप कप या बाउल जिससे भी मेजरमेंट करें, मूंगफली का जस्ट डबल साबूदाना लीजिएगा। साबूदाना का हमें कलर चेंज नहीं करना है, बस 2-3 मिनट ही भूनना है ताकि जब हम इसका पाउडर बनाएं तो पाउडर आसानी से बन जाए, क्योंकि हमें इसका फाइन पाउडर बनाना है। तो मैंने इन्हें 3 मिनट भून लिया है। ये हमारे साबूदाना अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। साबूदाना को हल्का सा ठंडा होने देंगे। जब ये हल्के से ठंडे हो जाएंगे तब हम इनका फाइन पाउडर बनाएंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और साबूदाना को ठंडा होने देंगे। यहाँ पर हमारी मूंगफली ठंडी हो गई है। अब हम इस तरह से मूंगफली के छिलके हटा देंगे। दोनों हाथों से मूंगफली को इस तरह से रगड़कर छिलका हटाएंगे तो ये छिलके आसानी से निकल जाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने मूंगफली से सारे छिलके हटा दिए हैं। अब हम इन्हें साफ कर लेते हैं। तो हमने मूंगफली को अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम मूंगफली को ग्राइंडिंग जार में डालकर हल्का सा दरदरा पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें दरदरा पाउडर बना लेना है। अगर हम मूंगफली का ज़्यादा फाइन पाउडर बनाएंगे तो इसमें से ऑयल निकलने लगेगा। अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ पर साबूदाना भी हल्के से ठंडे हो गए हैं, तो साबूदाना को भी ग्राइंडिंग जार में डालकर साबूदाना का एकदम फाइन पाउडर बना लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमें साबूदाना का फाइन पाउडर बना लेना है। और ये पाउडर बहुत आसानी से बन जाता है क्योंकि हमने साबूदाना को पहले रोस्ट कर लिया था। जिस बाउल में हमने मूंगफली का पाउडर डाला है उसी बाउल में हम इसे भी डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। अगर आप जीरा नहीं खाते तो जीरा पाउडर को स्किप कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग व्रत वाला सेंधा नमक डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे। आप इसमें से जो भी चीज़ नहीं खाते उसे स्किप कर सकते हैं। आप इस प्रीमिक्स से व्रत के लिए कई प्रकार की रेसिपी जैसे पराठा, पूड़ी, अप्पे, पकौड़ी बना सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि जब आप इससे कोई भी रेसिपी बनाएं तब इसमें व्रत वाला कोई भी आटा जैसे कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा या फिर व्रत वाला समा के चावल का आटा मिला लें।
मैंने अभी इसमें आटा इसलिए नहीं मिलाया कि आप अपनी पसंद से जो भी आटा आप खाते हो या जो भी आपको आटा पसंद हो वो आटा आप मिला लीजिए। आटे की क्वांटिटी कितनी लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर आप एक कप पाउडर से रेसिपी बना रहे हैं तो एक कप में 2 छोटा चम्मच आटा मिला लीजिए। लेकिन अगर आपको लगे कि आटा कम है और ये अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आटा को कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें करना क्या है कि इस तरह से प्लास्टिक का कोई भी डिब्बा लेना है और इसमें इसे भरकर रख देना है। और जब भी आपको व्रत वाली रेसिपी बनाना हो तो इस डिब्बे से निकालिए और रेसिपी को बनाइए। तो आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है। आप इस पाउडर को इस तरह से बनाकर स्टोर करके रख लीजिए और किसी भी व्रत में इससे रेसिपी बनाइए, या फिर कभी ऐसे ही मन करे तो इसमें और भी मसाले जैसे चाट मसाला, गरम मसाला और वेजिटेबल्स डालकर इससे रेसिपी बना सकते हैं। तो इसे मैंने डिब्बे में भर कर रख लिया है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे बनी हुई रेसिपी शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरी आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आपको ये प्रीमिक्स का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।